हेलो बच्चों, हम लोग क्षारीय मूलकों के परीक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और प्रथम समूह और द्वितीय समूह के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे तृतीय समूह के बारे में और तृतीय समूह में हम लोग पढ़ेंगे फेरिक धनायन के बारे में कि किस तरीके से फेरिक धनायन का टेस्ट किया जाता है। देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग साफ टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस साफ टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट, जो हमें सॉल्ट दिया हुआ है जिसमें हमें फेरिक धनायन पता करना है, सॉल्ट की थोड़ी सी मात्रा लेंगे। देखिए बच्चों, हमने सॉल्ट ले लिया है। अब हम इसका मूल विलयन बनाएंगे, टैप वाटर डाल के मूल विलयन तैयार करेंगे। देखिए अच्छे से घोलना है हमें इसे। अब हम इसमें सांद्र नाइट्रिक एसिड, देखिए जो थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें सांद्र नाइट्रिक एसिड डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा सांद्र नाइट्रिक एसिड डाल दिया है। अब हम इसे गर्म करेंगे, बहुत केयरफुली हमें इसे गर्म करना है। देखिए जो ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें मिलाएंगे अमोनियम क्लोराइड। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोग अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे, थोड़ा सा हमने मिला दिया इसमें अमोनियम क्लोराइड। देखिए बच्चों, ब्लैक कलर का हो गया है ये हमारा ये सॉल्यूशन। अब हम इसे ठंडा करेंगे। देखिए बच्चों, ठंडा करेंगे। अब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए बच्चों अब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। और ये देखिए बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते ही देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे भूरा अवक्षेप, देखिए बच्चों ब्राउन कलर का अवक्षेप आया है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें नीचे अवक्षेप है, ये सॉल्यूशन ब्राउन कलर का हो गया है, ब्राउन कलर का अवक्षेप आता है। अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। देखिए बच्चों, इसे छानेंगे हम लोग। देखिए हम इसे छान लेंगे भूरे अवक्षेप को। देखिए ब्राउन कलर का अवक्षेप है, देखिए छन रहा है, भूरे कलर का अवक्षेप है। अब देखिए बच्चों, इस पे ब्राउन कलर का, इस पे हमारे इस पे ब्राउन कलर का अवक्षेप रह गया है। हम क्या करेंगे, इस ब्राउन कलर के अवक्षेप को तनु HCl में डिजोल्व करेंगे। देखिए तनु HCl है, ये ब्राउन कलर का अवक्षेप है, हम क्या करेंगे इसके ऊपर तनु HCl डालेंगे तो ये अवक्षेप डिजोल्व होके देखिए इसमें आ जाएगा। देखिए अवक्षेप डिजोल्व होके इसमें आ जाएगा। देखिए बच्चों अवक्षेप डिजोल्व होके इसमें आ गया है। अब हम इसके दो भाग करेंगे। देखिए हमने दो भाग कर लिए हैं। प्रथम भाग में हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देखिए बच्चों पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन मिलाएंगे प्रथम भाग में। देखिए दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का विलयन बनाते हैं। हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लिया, इसका विलयन हम लोग तैयार करेंगे। और देखिए इसमें हम लोग मिलाएंगे, देखिए बच्चों कितना अच्छा नीले रंग का अवक्षेप आया है। देखिए ध्यान से देखिए, नीले रंग का अवक्षेप आया है। इस नीले रंग के अवक्षेप का आना, इससे हमें क्या पता लगता है, फेरिक धनायन के बारे में पता लगता है कि फेरिक धनायन यहाँ पे उपस्थित है। देखिए कितना अच्छा नीले रंग का अवक्षेप आया है।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने दूसरा भाग था, देखिए इसे फेंक देंगे हम, और जो दूसरा भाग था, जो अवक्षेप को हमने HCl में घोलने पे जो दूसरा भाग हमने रखा था, इस दूसरे भाग में, देखिए बच्चों, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से धोएंगे, टेस्ट ट्यूब में इस दूसरे भाग को लेंगे, और देखिए बच्चों, इस दूसरे भाग में हम पोटेशियम थायोसाइनेट, देखिए पोटेशियम थायोसाइनेट है, दूसरे भाग में पोटेशियम थायोसाइनेट के विलयन को मिलाएंगे। देखिए हम पोटेशियम थायोसाइनेट का विलयन बना लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। देखिए पोटेशियम थायोसाइनेट को घोल के हम इसका विलयन बना लेते हैं। देखिए पोटेशियम थायोसाइनेट का विलयन बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे तो देखिए कैसा कलर आता है, देखिए बच्चों, ब्लड रेड कलर, देखिए कितना अच्छा लाल कलर यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये लाल कलर का आना, देखिए जो समझे यहाँ पे, भाई पोटेशियम थायोसाइनेट डालते ही, पोटेशियम थायोसाइनेट डालते ही रेड कलर का यहाँ पे आना, इससे हमें क्या पता लगता है, फेरिक धनायन की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। तो देखिए बच्चों, आपको फेरिक धनायन के बारे में पता चला होगा कि किस तरीके से फेरिक धनायन के लिए टेस्ट लगाए जाते हैं।